नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक्वामी खबरें। सबसे पहले बात टोक्यो ओलंपिक्स की। हिंदुस्तान की स्टार शटलर PV सिंधु ने तारीख रकम की है। वो ओलंपिक्स में लगातार 2 मेडल जीतने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। ओवरऑल सुशील कुमार के बाद वो हिंदुस्तान की दूसरी एथलीट हैं। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में चीन की जियाओ बिंगहे को सिर्फ 52 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। सिंधु ने इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। सुशील ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज और 2012 लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का ये तीसरा मेडल है। सबसे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने 69 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंचकर हिंदुस्तान के लिए मेडल पक्का कर लिया है। पहले गेम में सिंधु ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए 4-0 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद जियाओ ने वापसी करते हुए 5-5 की बराबरी कर ली। फिर पहले गेम के हाफ को सिंधु ने शानदार शॉट्स लगाते हुए 11-8 से फ़र्क बढ़ा दिया। इसके बाद सिंधु ने अपनी बढ़त को कम होने नहीं दिया। सिर्फ 23 मिनट में हिंदुस्तानी स्टार शटलर ने पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में भी सिंधु ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए गेम 11-8 से आगे हो गई। हालांकि चीनी खिलाड़ी ने लगातार 3 पॉइंट हासिल किया और स्कोर 11-11 से बराबर कर दिया। इसके बाद सिंधु ने स्मैश और लॉन्ग शॉट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 4 पॉइंट बनाए और स्कोर 15-11 कर दिया। इसके बाद जियाओ सिर्फ 4 पॉइंट बना सके और सिंधु ने 6 पॉइंट्स बनाकर दूसरा गेम और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सिंधु ने ये गेम महज 29 मिनट में जीता। सिंधु और जियाओ के बीच अब तक जुमला 16 मैच हुए हैं। इसमें से जियाओ ने 9 मैच और सिंधु ने 7 मैच जीते हैं। सिंधु ने जियाओ को पिछले दिनों मैच में हराया है। इस मैच से पहले सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को 21-19 और 21-19 से हराया था। सिंधु को सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 चीनी ताइपे की ताइजो यंग के खिलाफ 21-18, 21-13 से हार का सामना करना पड़ा था। ये मैच हारकर वो गोल्ड और सिल्वर के रेस से बाहर हो गई थी। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने तारीख रकम की है। 1972 के बाद टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल में हिंदुस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया। टीम इंडिया के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरजीत सिंह ने 16वें और हार्दिक सिंह ने 57वें मिनट में गोल दागा। सेमीफाइनल में अब टीम इंडिया का सामना 3 अगस्त को बेल्जियम से होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल उसी दिन ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच खेला जाएगा, जबकि 5 अगस्त को टॉप 2 टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। 1972 ओलंपिक में सेमीफाइनल फॉर्मेट में हॉकी खेला गया था। इसके बाद 1976 में टीम इंडिया नॉकआउट में नहीं पहुंची थी। 1980 में हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, लेकिन उस ओलंपिक में सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था। ग्रुप स्टेज के बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट वाली 2 टीमें सीधे फाइनल खेली थी। हिंदुस्तान ने 6 टीमों के पुल में दूसरे मकाम पर रहकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। पहले क्वार्टर में हिंदुस्तानी टीम ने पूरी तरह से दबदबा बनाया। मैच के 3रे मिनट में ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, इसे हिंदुस्तानी डिफेंडरों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद 7वें मिनट में सिमरनजीत सिंह के बेहतरीन पास पर दिलप्रीत ने गोल दागा। दूसरे क्वार्टर के पहले मिनट में गुरजन सिंह ने काउंटर अटैक में बेहतरीन गोल दागा। इस गोल की बदौलत हिंदुस्तान ने दूसरे क्वार्टर में 2-0 की लीड ले ली थी। हाफ टाइम तक यही स्कोर रहा। तीसरे क्वार्टर में ग्रेट ब्रिटेन ने वापसी की कोशिश की। इस क्वार्टर में 45वें मिनट में सैम वार्ड ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल दागा, इससे स्कोर 2-1 हो गया। आखिरी क्वार्टर में भी ग्रेट ब्रिटेन ने काउंटर अटैक किया हिंदुस्तानी गोलकीपर और साबिक कप्तान PR रिजेश ने बेहतरीन सेव किए और ब्रिटेन को वापसी का मौका नहीं दिया। 54वें मिनट में कप्तान मनप्रीत सिंह को अंपायर ने येलो कार्ड दिखाया। इसके बाद टीम 5 मिनट तक 10 खिलाड़ियों से खेल रही थी। इस दौरान 57वें मिनट में 10 खिलाड़ियों से खेल रही टीम इंडिया ने शानदार काउंटर अटैक किया और हार्दिक सिंह ने फील्ड गोल कर हिंदुस्तान को 3-1 के फैसलाकुन बढ़त दिला दी। टीम इंडिया ने 1972 के बाद पहली बार पूल स्टेज में 4 या इससे ज़्यादा मुकाबले जीते थे। 1972 ओलंपिक में हिंदुस्तान ने पूल स्टेज में 7 में से 5 मैच जीते थे। इसके बाद 2016 ओलंपिक तक हिंदुस्तान ग्रुप स्टेज में 3 से ज़्यादा मैच नहीं जीत पाया। 1984 से 2016 तक तो हिंदुस्तानी टीम ग्रुप स्टेज में कभी 2 से ज़्यादा मैच नहीं जीत पाई थी। हिंदुस्तान ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल मेंस हॉकी में जीते हैं। टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।
इसके अलावा 1960 में सिल्वर और 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। 1980 मॉस्को ओलंपिक के बाद हिंदुस्तान ने हॉकी में कोई मेडल नहीं जीता है। हिंदुस्तान ने आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान के एम्बेसडर टीएस त्रिमूर्ति ने फ्रांस को उसके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और फ्रांस के तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी सदारत के दौरान 3 हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें समुद्री हिफाजत और अमन कायम करना, इसके अलावा दहशतगर्द का मुकाबला जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही हिंदुस्तान पीस आर्मी की याद में भी प्रोग्राम करेगा। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे में सीरिया, इराक, सोमालिया, यमन और मिडल ईस्ट के मुद्दों पर होने वाली कई अहम बैठकें शामिल हैं। फ्रेंड्स, इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन ऑगस्ट। इट इज अ सिंगुलर ऑनर फॉर अस टू बी प्रिसाइडिंग ओवर द सिक्योरिटी काउंसिल इन द सेम मंथ व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 75th इंडिपेंडेंस डे। This is our 8th tenure in the Security Council. In the last 7 months of our tenure in the Council, we have taken a principled and forward-looking position on various issues. We have been unafraid of shouldering responsibilities. We have been proactive. We have focused on issues of our priority. We have made efforts to bridge the different voices within the Council to ensure that the Council comes together and speaks in one voice on a variety of important issues of the day. This is what we will bring into our presidency. India will be organizing signature events in 3 major areas: maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. Maritime security has a high priority for us, and it is important for the Security Council to take a holistic approach to this issue. Peacekeeping is a topic close to our hearts, given our own long and pioneering involvement with peacekeeping. We will be focusing on how to ensure the safety of peacekeepers, especially by using better technology, and how to bring perpetrators of crimes against peacekeepers to justice. Further, as a country which has been at the forefront in the fight against terrorism, we will continue to keep the spotlight on counter-terrorism. I would like to thank the Honorable Prime Minister and our External Affairs Minister for continuing to guide our permanent mission, especially during our stint in the Security Council. Thank you. वज़ारत फाइनेंस ने इतवार के रोज GST रेवेन्यू कलेक्शन का डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक जुलाई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से होने वाले कलेक्शन 1,16,393 करोड़ रुपये रहा। जून में यह आंकड़ा 92,849 करोड़ रुपये था। जुलाई में GST का ग्रॉस कलेक्शन का डेटा साल भर पहले से 33% ज़्यादा है। इससे पहले मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर से लागू जगह जगह लॉकडाउन से कलेक्शन का आंकड़ा जून में 8 महीने बाद 1,00,000 करोड़ रुपए से नीचे आ गया था। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों में ढील से जुलाई में GST कलेक्शन का आंकड़ा एक बार फिर 1,00,000 करोड़ रुपये के पार निकला है। इससे इकोनॉमी में तेज़ी से रिकवरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आगे भी GST कलेक्शन का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। वजारत फाइनेंस के मुताबिक जुमला GST कलेक्शन में मरकजी हुकूमत का हिस्सा यानी CGST का हिस्सा 22,197 करोड़ रुपये, रियासतों का हिस्सा यानी SGST 28,551 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड यानी IGST का 57,864 करोड़ रुपये और सेस का 7,790 करोड़ रुपये शामिल है। सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस करने वाले GST टैक्स पेयर्स अपने सालाना रिटर्न्स को खुद ही सर्टिफाइड कर सकेंगे। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़रूरी ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अहकाम जारी कर दिए हैं। GST कलेक्शन का यह आंकड़ा 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का है। इस दौरान टैक्स से जुड़ी कई रियायतें दी गई हैं। इसमें ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 15 दिनों तक बढ़ाया जाना भी शामिल है। इसके अलावा ब्याज दरों में कटौती भी की गई है। हुकूमत ने रेगुलर सेटलमेंट के तौर पर जुलाई में IGST से 28,087 करोड़ रुपये का CGST और 24,100 करोड़ रुपये का SGST सेटल किया है। लॉकडाउन की सख्ती कम होने से अब मुल्क में पेट्रोल डीजल की मांग फिर बढ़ने लगी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस
की वजारत के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 में मुल्क में 23,70,000 यानी 2.37 मिलियन टन पेट्रोल की खपत हुई है। यह जुलाई 2020 के मुकाबले 17% और जुलाई 2019 के मुकाबले में 3.56% ज़्यादा है। जुलाई 2021 में 54 लाख 50 हज़ार टन डीजल की खपत हुई है। जुलाई 2020 के मुकाबले 12.6% ज़्यादा है। हालांकि कोरोना वबा से पहले यानी जुलाई 2019 के मुकाबले ये अब भी 10.9% कम है। डीजल की खपत माशी तरक्की का पैमाना मानी जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में रिफाइंड फ्यूल बिक्री में डीजल की हिस्सेदारी 40% की है। कुकिंग गैस यानी LPG की बिक्री भी सालाना की बुनियाद पर जुलाई में 4.05% बढ़कर 23,60,000 टन हो गई है। वहीं जुलाई 2019 के मुकाबले जुलाई 2021 में LPG की खपत 7.55% बढ़ी है। जेट फ्यूल की बात करें तो जुलाई 2021 में इसकी खपत 2,91,000 टन रही है। ये जुलाई 2020 के मुकाबले 29.5% ज़्यादा है। हालांकि अगर जुलाई 2019 की बात की जाए तो ये उस साल के मुकाबले 53.1% कम है। सोने और चांदी में चमक एक बार फिर बढ़ने लगी है। जुलाई में सोना 1,236 रुपये महंगा होकर 48,430 रुपये फी 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में 1 जुलाई को सोना 47,194 रुपये पर था, यानी इस महीने सोना करीब 3% महंगा हुआ। 1 जुलाई को चांदी 67,832 रुपये फी किलो पर थी, जो अब 68,053 रुपये पर पहुंच गई है, यानी जुलाई में ये 221 रुपये महंगी हुई। जुलाई में एक वक्त ये 69,000 के पार भी निकल गई थी। जून में सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एक जून को जो सोना 49,422 रुपये फी 10 ग्राम पर था, वो 30 जून को 46,753 रुपये पर आ गया था, यानी सोना 2,669 रुपये सस्ता हुआ था। वहीं चांदी की बात करें तो ये 2,669 रुपये सस्ती हुई थी। ये 1 जून को 72,428 रुपये फी किलोग्राम पर थी, जो 30 जून को 67,747 रुपये पर पहुँच गई थी। जम्मू कश्मीर में फौज के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर अब हुकूमत सख्त एक्शन लेने के मूड में है। इतवार के रोज़ रियासती हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया। इसके मुताबिक पत्थरबाजी करते हुए पकड़े जाने पर पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। रियासती हुकूमत के अहदेदारों के मुताबिक कश्मीर CID की स्पेशल ब्रांच ने सभी सिक्योरिटी यूनिट को एक हुक्म दिया है। इसमें कहा गया है कि रियासत के जिस शख्स को भी पत्थरबाजी करते हुए पकड़ा जाए, उसे किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दिया जाए। पत्थरबाजी के इल्ज़ाम लगने पर डिजिटल एविडेंस यानी वीडियो या फोटोज़ और पुलिस रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। मरकजी हुकूमत पहले ही कानून में तरमीम कर रियासती नौकरियों के लिए CID की क्लियरेंस रिपोर्ट को ज़रूरी कर चुकी है। अहकाम के मुताबिक अगर किसी शख्स के ख़ानदान का रुकन और ख़ासकर रिश्तेदार सियासी पार्टी से जुड़ा है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। किसी सियासी प्रोग्राम में शामिल होने के बारे में भी बताना होगा। जमात इस्लामी जैसे किसी बैरूनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने की जानकारी भी मांगी जाएगी। कहीं काम कर रहे लोगों को अगर CID से दोबारा अगर अप्रोच करना हो तो उन्हें अपॉइंटमेंट की तारीख, पोस्टिंग और उनके उस ओहदे की डिटेल्स भी देने होगी। इसके अलावा नौकरी कर रहे माँ बाप, हस्बैंड वाइफ या बच्चों की डिटेल भी देनी होगी। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था। इसके बाद पत्थरबाजी के वाकयात में कमी देखी गई। 2019 में पथराव की 1999 वाकयात हुए थे, 2020 में घटकर 255 हो गए। 2021 में 2 मई को पुलवामा के डगरपुरा में मुठभेड़ के दौरान दहशतगर्दों को बचाने के लिए लोगों ने पथराव किया था। इसके बाद बारपुरा में 12 मई को भी नकाबपोशों ने पथराव किया था। इसके अलावा पत्थरबाजी का कोई बड़ा वाकया सामने नहीं आया। इससे पहले 2018 में 1,458 और 2017 में 1,412 वाकया सामने आए थे। पिछले करीब एक साल से जारी हिंदुस्तान और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच एक पॉजिटिव जानकारी सामने आ रही है। चीन नॉर्थ लद्दाख में 3 मुतनाजिया पॉइंट में से 2 से हटने को तैयार हो गया है। हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तान और चीन के सीनियर कमांडर्स के बीच 12वें दौर का इजलास हुआ। इसमें हिंदुस्तानी फौज के कमांडर्स ने 3 मुतनाजिया पॉइंट्स हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेपसोंग में चीन की मौजूदगी पर सख्त एतराज़ जताया।
बातचीत करीब 12 घंटे तक चली। इसमें चीन की फौज ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट से पीछे हटने के लिए रजामंदी जाहिर की। इन दोनों इलाकों को पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 16 अल्फा के नाम से जाना जाता है। फौज से जुड़े जराए के मुताबिक इजलास में इन दोनों इलाकों से चीनी फौज के पीछे हटने का एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। हालांकि डिपसोंग के मुतनाज़ इलाके पर कोई सहमति नहीं बन पाई। बातचीत सुबह 10 बजे से चीन के मोलदा इलाके में बनी चौकी पर शुरू हुई। इजलास में 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन और वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव शामिल थे। हिंदुस्तान की तरफ से एजेंडा साफ था कि चीन को आमने सामने की चुनौती तैनाती वाले इलाकों में पीछे हटना ही होगा। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत कई रियासतों में मौसम की मार जारी है। आईएमडी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के कहर से पहाड़ी रियासतों में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। हिमाचल में अब तक 326 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रियासत में बारिश से अब तक 632 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के 26 ज़िलों में तेज़ बारिश का अंदेशा जताया गया है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 28 एमएम बारिश हो चुकी है। यहाँ यमुना नदी का लेवल खतरे के निशान 205.33 मीटर के बेहद करीब पहुँच गया है। महकमे मौसमियात ने यहाँ इतवार को भी ज़ोरदार बारिश होने का इंतबाह जारी किया था। दिल्ली इंतजामिया ने नदी के आसपास रहने वालों को अलर्ट जारी किया है। यहाँ से 100 से ज़्यादा खानदानों को दूसरे मकामात पर शिफ्ट किया गया है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेगासस जासूसी केस और किसान तहरीक जैसे कई मुद्दों पर अपोजिशन की मुखालिफत और उनका एहतजाज जारी है। इस जदोजहद की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई पर बुरा असर पड़ा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अब तक 107 घंटों में से सिर्फ 18 घंटे ही कार्रवाई चल सकी है। इससे टैक्स पेयर्स के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों ऐवानों की कार्रवाई लगभग मुतासिर रही। मानसून सेशन में अब तक करीब 89 आवर्स हंगामे की नज़र चढ़ चुके हैं। सेशन 13 अगस्त तक चलना है। राज्यसभा की कार्रवाई तय वक्त का सिर्फ करीब 21% ही चली है, तो लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 13%। लोकसभा 54 घंटों में से 7 घंटे से भी कम वक्त तक चला है, जबकि राज्यसभा 53 घंटों में से सिर्फ 11 घंटे चली। हंगामे के चलते मॉनसून सेशन के दूसरे हफ्ते में ऐवान की प्रोडक्टिविटी में 13.70% की गिरावट आई है। पहले हफ्ते में यह आंकड़ा 32.20% था। इस मसले पर अपोजिशन का कहना है कि जासूसी मुद्दे पर जब तक हुकूमत बातचीत के लिए बहस के लिए तैयार नहीं होगी, मुखालिफत खत्म नहीं होगी। वहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इस मांग को खारिज कर लोकसभा में कह चुके हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। पेगासस जासूसी मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी या नहीं, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। पेगासस मामले की आज़ाद जांच की मांग को लेकर मशहूर सहाफ़ी एन राम और शशि कुमार ने पिटीशन फाइल की थी। जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अर्जी पर सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। इतवार के रोज़ कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख दी है। पिटीशनर्स की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने जुमे के रोज़ चीफ जस्टिस एन वी रमना की बेंच में पिटीशन मेंशन करते हुए कहा था कि इस केस की जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि ये तनाज़ा काफ़ी फैला हुआ है। सिब्बल ने कहा कि मुल्क के शहरियों, अपोजिशन के कायदीन और सहाफ़ियों की निगरानी करना उनकी आज़ादी तलफ करने के बराबर है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में इस मुद्दे को लेकर बहस चल रही है। चाहे कितनी ही बुलंदोबाला इमारत क्यों ना तामीर करवाई जाए, इसके लिए बुनियाद ज़रूरी है। अगर बुनियाद कमज़ोर होगी तो इस पर हमा मंजिला इमारत कैसे तामीर की जा सकेगी, और ऐसी तामीर नामुमकिन है। यही हाल इस वक्त हमारे बच्चों का हो गया है। कोरोना की वजह से उनकी बुनियादी तालीम ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इन बच्चों की तालीम की बुनियाद को नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता एक साल से बच्चों की बेसिक तालीम पर बुरी तरह से मुतासिर हुई है। बाज़ खानगी और कॉर्पोरेट स्कूलों में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बाकायदा तौर पर हो रही हैं, क्योंकि नर्सरी में दाखिले नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से LKG, फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन इन क्लासेस के लिए बच्चों के माँ बाप को जिन मुश्किलात का सामना है वो नाकाबिले बयान है। जहाँ एक तरह बच्चों के वालदैन पर बच्चों की वर्कशीट व्हाट्सएप से डाउनलोड करवा कर उन्हें क्लास टीचर को भिजवाना पड़ रहा है, वहीं उनसे भारी फीस भी वसूल की जा रही है। अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें तो गुज़िश्ता साल से फर्स्ट और सेकेंड क्लास की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं। हज़ारों रुपये फ़ीस अदा करने के बावजूद इसका दूसरा और तल्ख पहलू ये है कि माँ बाप या किसी जिम्मेदार के
बाजू ना होने पर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बसूरत दीगर वो गेम्स खेलने में वक्त गुजार रहे हैं। ये तो बात हुई ऑनलाइन क्लासेस की। होमवर्क का भी यही हाल है, अगर माँ बाप बाजू रहकर होमवर्क करवाते हैं तो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, वरना लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक छोटे बच्चे अगर दिलचस्पी के साथ क्लास में टीचर का लेसन सुने भी तो उन्हें क्लासरूम की तरह आसानी से बात समझ में नहीं आती। इतना ही नहीं, बच्चे याद किए हुए और लिखे हुए हर्फ और अल्फाज भी भूल रहे हैं। स्कूल में हाजिर होकर शख्सी तौर पर क्लास अटेंड करते हुए बच्चे जिस तरह से तालीम हासिल करते हैं उसकी बात ऑनलाइन क्लासेस में नज़र नहीं आती। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं उन बच्चों को फिर भी मदद मिल रही है, लेकिन मुलाजमत पेशा जोड़ों और गैर तालीम याफ्ता अफराद के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस मुश्किलात का सबब बन रही है। स्कूल्स में क्लासरूम में टीचर्स छोटे बच्चों को खेल कूद कर कहानियाँ सुनाते हुए अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। बच्चे भी टीचर के खौफ से पढ़ाई में दिलचस्पी लिया करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों में इतनी तब्दीली नज़र नहीं आती जो रास्त क्लासरूम में बैठ कर आया करती थी। औलियातुल्बा का कहना है कि बच्चे या तो फ़ोन में गेम्स खेल रहे हैं या फिर टीवी देखकर वक्त गुजार रहे हैं। इनके मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस का मतलब हज़ारों की फ़ीस पे करना और टीचर्स की जानिब से जो लिखाया जाता है वो लिखना हो चुका है। बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रहा है। बाज़ फ़िक्रमंद वालदैन को ट्यूटर का इंतज़ाम करना पड़ा है या फिर बच्चों को ट्यूशन रवाना कर रहे हैं। कई वालदैन का कहना है कि हुकूमत सिर्फ कोरोना बहरान के दौरान ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट कर रही है और बच्चों को पास करके अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है, जिससे बच्चे आगे की क्लास में ज़रूर जा रहे हैं लेकिन उनमें वो तालीमी काबिलियत पैदा नहीं हो रही है जो कि होनी चाहिए। बच्चों के वालदैन का मानना है कि इससे बच्चों के बेसिक फाउंडेशन को नुकसान पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में बच्चों के लिए ये मुश्किलात का सबब बन सकता है। हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करें ताकि बच्चे असबाक को समझ सकें, क्योंकि अगर वो इसी तरह आगे बढ़ते गए तो आगे की क्लासेस का तालीमी बोझ उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए वक्त का तकाजा है कि बुनियाद को मजबूत किया जाए। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया में कोरोना वायरस के 5,30,000 नए मामले सामने आए हैं। इस बीमारी के चलते 8,772 लोगों की मौत हुई और 3,72,000 लोगों ने इसे मात दी। सबसे ज़्यादा 51,00,000 मामले अमेरिका में मिले और सबसे ज़्यादा 51,000 मामले अमेरिका में मिले और सबसे ज़्यादा 1,808 अमवात इंडोनेशिया में रिकॉर्ड की गई। अमेरिका में हफ्ते के रोज़ रिकॉर्ड किए गए मामलों में एक दिन में पहले के मुकाबले में 50% की गिरावट रही है। यहाँ जुमे के रोज़ 1,01,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। हफ्ते के रोज़ नए मामलों की तादाद घटकर 51,898 रह गई। इससे पहले अमेरिका में 11 फरवरी को 1,05,000 मामले सामने आए थे। हफ्ते के रोज़ जापान में 10,744 मामले दर्ज किए गए, जबकि 11 लोगों की से मौत हुई। जुमे के रोज़ भी यहाँ 10,990 केसेस सामने आए थे। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच हफ्ते के रोज़ यानी पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में कोरोना के 41,786 नए मामला दर्ज हुए। कोरोना इन्फेक्शन के चलते 542 मरीजों की जान गई, जबकि 39,304 लोगों ने इन्फेक्शन को मात दी। अब एक्टिव मामले केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद की बात करें तो वो 4,04,804 हो गई। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस 3,16,00,000 हो गए। अब तक जुमला 3,08,00,000 लोग रिकवर हुए, जबकि 4,24,000 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त कोरोना से केरल सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां 5 दिन से लगातार 20,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हफ्ते के रोज़ वहां 20,624 मामले दर्ज किए गए और 80 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 16,865 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। केरल में तेज़ी से फैलने के बाद अब महाराष्ट्र में भी जिका वायरस का पहला केस सामने आया है। पुणे के पुरंदर इलाके के 50 साल की खातून में जिका वायरस मिलने की तस्दीक हुई है। उसका चिकनगुनिया टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। वहीं केरल में जिका के 2 नए केसेस सामने आए हैं। इसके बाद अब इस रियासत में इन्फेक्टेड यानी इस बीमारी से मुतासिर लोगों की कुल तादाद बढ़कर 63 हो गई। महाराष्ट्र से पहले इस साल सिर्फ केरल में ही जिका के मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक खातून पुणे की पुरंदर तहसील के बेलसर गांव की रहने वाली है। उसे जुलाई की शुरुआत में बुखार आया था। उसके अलावा 4 और लोगों के सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी
NIV को भेजे गए हैं। इनमें से 3 की चिकनगुनिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई। NIV की एक टीम इसके बाद यहां दौरा करने पहुंची। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को प्राइवेसी मामले पर बड़ा झटका लगा है। कंपनी को अमेरिका में अपने सब्सक्राइबर्स को $85 मिलियन यानी 632 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। एक कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक जूम वीडियो कम्युनिकेशंस इंक पर अपने यूजर्स के इंक्रिप्शन सिक्योरिटी के बारे में गुमराह करने, फेसबुक के साथ गलत तरीके से डेटा शेयर करने और प्राइवेट मीटिंग को जूम बॉम्बिंग के तौर में होने वाले हैकिंग अटैक को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम है। सेटलमेंट के तौर पर जूम के पेड सब्सक्राइबर को $25 और नॉन पेड सब्सक्राइबर को $15 देने की बात सामने आ रही है, जिसे सैन लोस कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज लूसी कोहने के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। कंपनी को प्राइवेसी प्रैक्टिस में सुधार करने के लिए कहा गया है। इससे पहले ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर लग्जमबर्ग अथॉरिटी ने $88 करोड़ यानी 6,540 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कंपनी पर यूरोपियन यूनियन डेटा प्रोटेक्शन रूल तोड़ने का इल्ज़ाम भी लगा था। लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन ने 16 जुलाई को अमेजॉन पर जुर्माना लगाया था। साइबर हमलों के लिए हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए पिछले 6 महीने बहुत बुरे गुजरे हैं। इस दौरान एक कंपनी को हर हफ्ते औसतन 1738 बार साइबर अटैक का सामना करना पड़ा, जबकि दुनिया भर में साइबर हमले का ये आंकड़ा 757 ही रहा। इस लिहाज से हिंदुस्तानी कंपनियों पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हमले हुए। चेक पॉइंट रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक रिसर्च, एजुकेशन, मिलिट्री, इंश्योरेंस और हेल्थ सेक्टर की कंपनियों में देखने को मिला। हिंदुस्तान में पिछले 6 महीने में होने वाले साइबर अटैक्स में 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ये साइबर अटैक यूरोप और अफ्रीका के मुल्कों से आए, मिडल ईस्ट भी इसमें शामिल है। अमेरिका और एशिया सूबे में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुए हैं। कंपनियों पर होने वाले रैंसमवेयर अटैक में 93% की बढ़ोतरी हुई है। दीगर मुल्कों के मुकाबले हैकर्स के लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है। साइबर सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट ने साइबर अटैक इंडिया साइबर अटैक ट्रेंड 2021 मिड ईयर नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तमाम तरह की कंपनियों जैसे सरकारी, सेहत और दीगर पर होने वाले साइबर अटैक के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में होने वाले साइबर अटैक में 17% की बढ़ोतरी हुई। यहां हर हफ्ते औसतन 443 साइबर हमले हुए हैं। वहीं यूरोप में इसमें 27% की बढ़ोतरी हुई है। अस्करियत पसंद तंजीम तालिबान ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान के जनूबी इलाके में खंदहार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के सरबराह मसूद पिश्तौन के हवाले से बताया गया कि एयरपोर्ट पर कम से कम 3 रॉकेट दागे गए, जिसकी वजह से तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। ख्याल रहे कि अमेरिका के फ़ौजी इनखला के बाद से तालिबान की जानिब से मुल्क भर में हमले किए जा रहे हैं और मुल्क के बड़े हिस्से पर उनका कब्जा हो गया है। एयरपोर्ट के सरबराह मसूद पिश्तौन ने एक एजेंसी को बताया कि रात के वक्त हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट दागे गए, उनमें से 2 रनवे से टकरा गए। रनवे की मरम्मत का काम जारी है और तवक्को है कि इतवार से हवाई अड्डा फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा। काबुल में सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक अहलकार ने रॉकेट हमले की तस्दीक की है। तालिबान ने हफ्तों से खंदहार के मज़ाफात पर बार बार हमले किए हैं, जिससे यह खदशा पैदा हो गया है कि बागी सूबाई दारुलहुकूमत पर कब्जा करने की कगार पर है। खंदहार का हवाई अड्डा अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर पर तालिबान का कब्जा होने से रोकने के लिए ज़रूरी रसद और फिजाई मदद फराहम करने के हवाले से इंतहाई अहम है। तुर्की में आग लगने के वाकयात में मुमकिन साजिश पर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने बरहमी का इजहार किया। आलमी खबर रसां एक एजेंसी के मुताबिक सदर रजब तैयब अर्दगान ने मुतासरा इलाकों के दौरे किए। इस मौके पर उनका कहना था कि इशारे मिले हैं कि आग लगने के वाकयात के पीछे कोई साजिश है। तुर्क सदर ने कहा कि अगर यह साबित हुआ कि आग जानबूझकर लगाई गई है तो साजिशी अनासिर का सीना चीर देंगे, चाहे इसकी कुछ भी कीमत देना पड़े। वाज़ेह है कि तुर्की के जुनूबी इलाकों में आतिशबाजी के बायस अब तक 2 फायर फाइटर समेत 6 अफराद जान बहक खो चुके हैं। ख्याल रहे कि तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि मुल्क में खौफनाक आतिशबाजी के तकरीबी अनासिर कार फरमा है और ये कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।